मानवता मंदिर हुशियारपुर में परम संत परम दयाल पंडित फकीर चंद महाराज के 107वें प्रकाश उत्सव पर सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानवता मंदिर के सचिव राणा रणवीर सिंह ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर कमल दयाल जी महाराज व आचार्य कुलदीप शर्मा ने सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रभु चरणों से जोड़ा। श्री राणा ने मंदिर के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्बा की तरफ से परम संत परम दयाल पंडित फकीर चंद जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर सभी को बधाई दी। मूर्ति के आगे लोग नाच रखते हो, अरे माँ बाप की पूजा कर लो, वो भगवान है और कोई नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भाई भाई में प्रेम से रहो। क्या ले जाना है, क्या कह रहा हूं मैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अगर मूर्ति बोले तो मैं भी 5 पैसे देकर ले आऊंगा। आगे करो, क्या कहते हैं, जो यह मूरत मुख से बोले कर स्नान नवाई, 5 टका हो के ठठेरे एक हो ले आए, अब मैं भूला रे भाई लखाई। है जप तप की ने ना काया के जाए, नाहरी है जप तप की ने ना काया के जाए, नाहरी है धोती छाड़े ना पातों के मारे, अब मैं भूला रे भाई शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है कि डांस करने ना अपन बनाते हैं अपने आप में कपड़े सामने बनाते हैं, दाड़ियाँ रख लेते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाड़ियाँ। मुझे भी एक तली बुलाया था एक बड़े बड़े संत का, बड़े डेरे के महात्मा का, उसके पीए का सर आया, कमल जी महाराज जी कहते हैं आप दाढ़ी रख लो। अच्छा, दाढ़ी रखने से क्या होगा, कहते जी फिर संत लगता है आदमी। मैं कहा मैं संत तो हूँ ही नहीं, मैं तो संत का सेवक हूँ, मैं कब संत कहता हूँ कि मैं संत हूँ, ना मैं संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना गुरु हूँ, और मैं तो बाबे फकीर संगत का सेवक हूँ भाई। बात समझ गए, जिन्हें संत बनना हो पाओ दाढ़ियाँ रख रहे हैं, छोटा जूत रख रहे हैं, लंबे लंबे चौके बना, मैं तो इतना रहना मैं चिंता मेरे बाबे रखा। क्या कहा मैंने, ये क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा। मैंने कहा मेरे दादे मेरे दादा पूछते दाढ़ी दाढ़ी नहीं सी, मेरे करके मेरे बिल्कुल भाई दादा आनंद जी महाराज के दाढ़ी नहीं थी, दादा दयाल ने महाराज को कहा था फिर दाढ़ी उन्होंने उनका हुक्म मानो। मेरी बात समझ गए, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, कुछ भी नहीं, मुँह ढक लिया दाढ़ी रखी तो मुँह ढक हो गया जल जी, और एक तो लाल कर लिया थोड़ा जहा, या फिर कोई दवाई खा ली गोली खाली मुँह लाल हो जाएगा, वो जन ना मैंने पता मैं देखे है तेरे को, वो क्या रखा है इन चीज़ों में, क्यों धोखा है इंसान, तू दुनिया को धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। चाहे कोई संत है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई महात्मा है, मैं कहता हूँ तुम खुद खाई में गिर रहे हो और बाकियों को क्यों डाल रहे हो, क्यों ऐसा हमारे देश में अर्थ हो रहा है। क्या कहूँ मैं आपको, अब कबीर साहब ने क्या कह दिया कि ना तो धोती पहनने से मिलेगा, ना कोई डांस करने से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। पांचों मारने की जरूरत नहीं है, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कैसे मिलेगा। आगे लिखते हैं मैं तो आपका बताता हूँ आपको कैसे मिलेगा। परंपरा चली हुई है, इसका कोई
मतलब होगा मुझे नहीं पता, मैं खंडन नहीं करता। तेरा धर्म क्या है ए इंसान, तेरा धर्म क्या है? तू बेटा है तो माता पिता के प्रति तेरी ड्यूटी है वो पूरी कर। तेरी शादी हो गई है तो पत्नी के प्रति तेरी पति के रूप में ड्यूटी है। तेरी शादी हो गई है बेटी, तेरा पति पति के प्रति तेरी ड्यूटी बनती है कि उसकी सेवा कर। तू बाप बन गया है तो बच्चों के प्रति तेरी ड्यूटी बनती है वो पूरी कर। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संगत दे, उनका कैरियर बनाने की कोशिश कर, ये तेरा धर्म है। और फिर समाज के प्रति तेरा धर्म है, समाज में प्रेम पैदा कर जहाँ तक हो सकता है, नफरत पैदा न कर। देश के प्रति तेरी भावना है, इस देश इस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ प्रार्थना कर मार्ग से मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर। मेरा मोहल्ला सुखी रहे, मेरा चारों तरफ के लोग सुखी रहे, मेरे शहर के लोग सुखी रहे, मेरा देश सुखी रहे, ये मेरा पहला धर्म है। क्या कहा मैंने? तुम मूर्ति पूजा करोगे तो कहाँ जो मर्जी करो, मैं नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारा मन ये बात नहीं करता तुम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। दया धर्म को पाले जग से रहे उदासी। अब कहते हैं हमेशा कहते हैं दुनिया से उदास रह, जरा क्यों उदास रह? तेरे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाए कि मैं यहाँ कितने दिन के लिए आया हूँ, क्या मैं यहाँ सदा रहूँगा, क्या मैं हमेशा रहने वाला हूँ? मेरे माता पिता थे तो मैं बेटा था, बात को सुनना, जब तक मेरे माता पिता थे तो मैं बेटा था ना। माँ 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 कहता था पिता को बोला, वो चले गए, बेटा कौन, मेरा बेटा कौन भी चला गया। क्या कहा मैं बाहर था, मेरी पत्नी थी, जब वो चली गई तो मैं हस्बैंड था, पत्नी गई मेरा हस्बैंड पन भी चला गया, चला गया नहीं। कौन कहता है मैं किसका हस्बैंड हूँ? कहता कोई मैं पति, मेरा पति पन भी खत्म हो गया। तो क्या कह रहा हूँ मैं, इस तरह इस तरीके से दुनिया को देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, हर चीज बदल रही है, तुम दूर रहोगे बाकी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि सब में दया राख धर्म को पहले, वो धर्म वाले घर में है, बाहर में, बाहर एक परंपरा है, हर धर्म की एक रिलीजन है, हर धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। मैं कहता वो तुम्हें जीने का राज बताता है, वो दुनिया में रहने का राज बताता है, वो प्रेम का राज सिखाता है या नहीं सिखाता ये तो वो जाने, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ। वो धर्म 20 समाज के लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो धर्म वो ये है। धर्म को पाले जब से रहे उदासी। दूसरी लाइन क्या कहा? अपना सारा जीव सबको जाने तब पावे विनाशी। सबको अपने जैसा समझो, जीव जंतु सब में उसकी अंश है। अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो मैं दुख होगा, जब तुम किसी को गाली दोगे तो क्या उसको दुख नहीं होगा? तुम अपशब्द बोलोगे, तुम्हें कोई अपशब्द बोले तो तुम्हें दुख नहीं होगा? होगा तो ऐसे ही दूसरे को भी तो दुख होगा। तुम्हें आप दूसरे के तेरा डाल दो। और मैं एक बात और कह देता हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी बुरा करे उसको कर दे, तुम ना निकालिए, तुम ना उसके बदले में उसका बदला लो, तुम ना उसको कुछ कहो, तुम उस पर छोड़ो, तुम निकाला को देखो। बात तो बन गया, तुम्हारा कोई बुरा करता है, तुम्हें कोई बुरा कहता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तुम उसका बदला मत लो कि किसने ये कहा मैं भी ये करूंगा। तुम ना करो, उसको करने दो, बुरेदा भला कर। बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हो जाए, उसे कभी गुस्सा नहीं करना, उसे चर्चा सिखाओ। एक बंदे को ज्ञान देने क्यों नहीं मिलया, इन कर्म दियो, मैंने तो मिलया ना, मैनू नहीं चंगा लगता कि मैं इन बुरा कर या मैं इन्हें बुरा सोचा। बात समझ गए? या कहा अपना सारा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी, फिर वो मिलेगा अविनाशी, वो मानव तुम्हें तब मिलेगा जब ये दो तरह कर दी। जब तक आगे
विश्वास भी नहीं करता। आगा भाई मैं देखता तो कोई की कहूँ, ये भी गलत है। जो कोई बुरा कहे इसको कहने दो, गाली देता तो मानवता मंडल में आए हो। ये मानवता के सुर आपको बता रहा हूँ, यही मानवता का जुम्मा जहाँ मानवता मंडल में जा रहा है। मेरी बात समझिए आप, इसलिए कहा क्या कहा अगली लाइन पढ़ो। Yeah।
अज परम संत पंडित फकीर चंद जी महाराज का जन्मदिन मानवता मंदिर परिसर से बहुत धूमधाम नाल मनाया गया। देश विदेश तो सारे सत्संगी इत्थे आए। इस अवसर ते कल एक राहुल पटनागर जी साडे सत्संगी आ, उन्हां वल्लों आई कैंप लवाया गया। उन्हां वल्लों शिवदेव राव स्कूल दे सारे न्याणियां नूं स्वैटर भेट किया गया। हरेक साल महाराज परमदयाल पंडित फकीर चंद जी का जन्मदिन बहुत ही उत्साह नाल मनाया जाता है। इत्थे देश विदेश तो बहुत सत्संगी भाग लेंदे आ। हमारे प्रधान साडे जिहड़े ब्रह्म शंकर जिब्बा जी जो कि रेवन्यू मिनिस्टर पंजाब हैगे आ, उह इस मौके ते हाजिर हुंदे आ। तो अज एक जरूरी मीटिंग करके वो इत्थे हाजिर नहीं हो सके। उन्होंने भी अपनी शुभकामनावां सारे सत्संगियों वास्ते, मंदिर स्टाफ वास्ते, न्याणियों वास्ते घली आ। मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। महाराज ने मानवता दे उत्ते चलन दी राह सानू दिखाई, तो असी ये सोचते हाँ कि असी उस रास्ते ते चलांगे। तो जिन्ना भी समाज का कल्याण हो सकता साढ़े हाथों करन दी कोशिश करांगे। मैं सारे ट्रस्टियां दा, मंदिर दे स्टाफ दा, स्कूल दे स्टाफ दा बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने ये प्रोग्राम सक्सेस करन च साडा साथ दिता। इस मौके ते दयाल कमल जी महाराज ने सत्संग किया, उन्होंने नाल आचार्य कुलदीप शर्मा जी ने सत्संग किया। शिवदेव राव स्कूल दे बच्चों ने बहुत ही रसमई जिहड़ा भजन आ वो किया राधा स्वामी का, उन्होंने चंगी स्पीच दी। स्कूल दे स्टाफ ने इस बहुत सहायता की। इस तो बाद अटूट लंगर वरताया जा रहा, जिन्हें भी सत्संगी आए आ तो जिन्हें भी इलाके के लोग आ वो लंगर छक के जाएंगे। असी आशा करते हाँ इस तरह असी चंगे काम करते रहिए तो समाज का सानू साथ मिलता रहे। धन्यवाद। राधा स्वामी दास टैलेंट्स के लिए गुरजीत सोनू की रिपोर्ट।